ओके सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइलेज कैसा सेट करते हैं और आरपीएम कैसे सेट करते हैं सब स्कूटर्स के लिए। तो ये मैं अपने भाई के होंडा एविएटर में कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मतलब आइडलिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लो स्पीड्स पे गाड़ी बहुत बंद गिरती है, जैसे कि मतलब अपन ट्रैफिक पे किधर खड़े हो, अगर आइडलिंग हो रहा है फिर एक्सीलेटर देते हैं, फिर डायरेक्ट इंजन स्टॉल हो जाता है, मतलब इंजन डायरेक्ट बंद हो जाता है। तो अपन बाइक्स के लिए तो अपन नीचे से हाथ घुमा के कर सकते हैं, बट एक्टिवा या दूसरे स्कूटर्स का कार्बोरेटर अंदर है तो खोल के सेटअप करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको मैं माइलेज कैसा सेट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत जन का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि माइलेज कैसा सेट करते हैं स्कूटर्स में। तो बहुत जन का यूट्यूब में मेरे को कमेंट्स भी आया कि मेरा गाड़ी डायरेक्ट बंद हो जाता है, सर्विसिंग करने के बाद भी यही प्रॉब्लम आता है। तो इसका मेन प्रॉब्लम है आरपीएम। सो आरपीएम आप लोग ने बराबर सेट नहीं किया होगा, या फिर जो कंपनी आरपीएम देती है मतलब 1500 से लेके 1800 आरपीएम रहना चाहिए, बट अपने इसमें टैकोमीटर नहीं है, मतलब जो आरपीएम मीटर होता है वो नहीं है। तो उसके बिना भी अपन पता लगा सकते हैं कि आरपीएम कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सो यार इसमें ज़्यादा काम नहीं है, अभी मैं होंडा एविएटर में कर रहा हूँ। एक्टिवा, डीओ या फिर कोई भी स्कूटर सबके लिए सेम है, क्योंकि सबका कार्बोरेटर 100 सीसी का ही है। 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक सब स्कूटर्स का मोस्टली सब सेम ही होगा कार्बोरेटर। ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा ये सब काम के लिए। सो यार लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एविएटर में अपन एक्टिवा के ये सब पूरा खोल तो नहीं सकते, तो इसमें क्या करना पड़ता है, डिक्की खोल के इधर का 2 जो बोल्ट है वो निकालना पड़ेगा, और ये स्क्रू और ये स्क्रू, ये स्क्रू और ये स्क्रू भी निकालना जरूरत पड़ेगा, तो डायरेक्ट सेट बाहर आ जाएगा। सो अभी ये निकालने के बाद इसके अंदर और 2 नट है, ये और ये। सो ये 2 निकालने के बाद ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके सो अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें। सो या पहले स्टार्ट कर देते हैं इंजन। तो देखो अभी इंजन स्टार्ट किया है। सो अभी गाड़ी ऑन है, और अभी मैं आपको आइडलिंग करके दिखाता हूँ। अभी आइडलिंग हो रहा है, ये आइडलिंग हो रहा है, मतलब अभी अपन समझो किधर स्टॉप पे रुके हुए हैं और आइडलिंग हो रहा है। सो जब भी अपन रेस देते हैं जैसे कि, तो गाड़ी बंद हो जाता है। सो यार जैसे हम लोग ऐसा गाड़ी स्टॉप करते हैं और फिर डायरेक्ट रेस देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आइडलिंग कैसे सेट करते हैं इसमें। सो यार ये अभी कार्बोरेटर है, और आपको मैं एकदम जूम करके बता देता हूँ। सो ये कार्बोरेटर में 2 स्क्रू मेन है। ये जो स्क्रू है ये एयर फ्यूल मिक्सचर का स्क्रू है, और ये जो स्क्रू है मतलब स्प्रिंग लगा है ये स्क्रू पे, वो आरपीएम का स्क्रू है। ये एयर फ्यूल मिक्सचर और ये आरपीएम। ये एयर फ्यूल के लिए, ये माइलेज सेट करने के लिए, और ये आरपीएम सेट करने के लिए। तो ये ऐसा कार्बोरेटर सेम है सब में, डीओ में, एक्टिवा में, मेरे एक्टिवा में भी सेम है, आपने सर्विसिंग के वीडियो में देखा ही होगा। जैसे इसको राइट साइड में घुमाएंगे मतलब टाइट करेंगे तो आरपीएम बढ़ जाएगा, और जैसे ही लूज करेंगे तो आरपीएम कम हो जाएगा। वैसे ही इसमें ही है, जैसे अपन राइट साइड में घुमाएंगे तो अपना फ्यूल ज्यादा जाएगा इंजिन में और एयर कम जाएगा, और जैसे ही लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो एयर ज्यादा जाएगा इंजिन में और फ्यूल कम जाएगा। तो मैं आपको पहले अच्छे से पूरा आरपीएम सेट करने का बता देता हूँ, फिर माइलेज पे आएगा। पहले आरपीएम पे फिर माइलेज पे। सो उसके लिए अपन पहले इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसके लिए। इसको अपन राइट साइड में घुमाते हैं तो आरपीएम बढ़ जाता है इंजन का, मतलब आरपीएम बढ़ गया इंजन का, और अभी टायर भी घूमने लगा। तो एज यू कैन सी आरपीएम भी एकदम बढ़ गया और टायर भी घूमने लगा है। तो आरपीएम सेट करने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यार आरपीएम सेट करने के लिए एकदम मतलब परफेक्ट होना चाहिए इंजन का 1500 ऐसा आपको लगना चाहिए कि हाँ अभी आरपीएम बराबर है। अभी ये गाड़ी का लाइट चालू करो और चेक करो कि लाइट बराबर आ रहा है कि नहीं। आइडलिंग पे चेक करो कि लाइट बराबर आ रहा है कि नहीं। एकदम वीक लाइट आता रहेगा तो समझ जाओ कि आपका आरपीएम कम है, और एकदम नॉर्मल लाइट आता रहेगा तो अभी समझ जाओ कि आरपीएम बराबर है। सो अभी हम लोग का एकदम नॉर्मल लाइट आ रहा है, ज़्यादा भी नहीं आ रहा है, कम भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल है। और ज़्यादा आने के लिए तो एक्सीलेटर करना पड़ेगा। सो इसमें डायरेक्ट इंजन से ही करंट आ रहा है हेडलाइट के लिए, तो जैसी वजह बढ़ाते तो और बढ़ जाता है। और आरपीएम अभी एकदम परफेक्टली सेट हो गया है क्योंकि देखो लाइट्स भी बराबर जल रहे एकदम। ओके सो अभी मैंने आपको आरपीएम का तो बता दिया, ये स्प्रिंग वाला जो स्क्रू है वो आरपीएम का है और ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर वाला ये जो फ्लैट हेड स्क्रू है तो ये माइलेज वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्रू है फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर वाला वो हिलाओ नहीं, अगर तो भी आपको माइलेज सेट करना है तो लेफ्ट साइड में करोगे तो माइलेज आपका बढ़ जाएगा और राइट साइड में करोगे तो आपका पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ माइलेज और पावर दोनों को इक्वलाइज करके बराबर आपको सेटिंग करना है, तो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा माइलेज चाहिए या ज्यादा पावर चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो एयर ज्यादा जाएगा और आपका मतलब पेट्रोल कम जाएगा जिससे आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, बट आपको एट द सेम टाइम पावर भी बहुत कम मिलेगा। सो यार दोनों सेट करना बहुत जरूरी है, माइलेज भी और पावर भी। सो यार दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये सेट में दिया है पहले से ही कंपनी ने। तो यार अभी इतना ही था इस वीडियो के ऊपर कि ये माइलेज कैसे सेट करते हैं और आरपीएम कैसे सेट करते हैं। सो यार मैंने आपको बताया कि माइलेज कैसे सेट करते हैं और आरपीएम कैसे सेट करते हैं। अगर आपका आरपीएम कम हो गया हो तो सेट कर लो क्योंकि कभी भी ये स्क्रू हिल सकता है, मतलब कभी भी अपन ड्राइव करते हैं तो कभी ये स्क्रू हिल जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे स्क्रू बैठा रहता है, तो कभी हिलने का चांसेस है, इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम आ रहा हो। सो यहाँ अभी पहले पूरा पैक कर देते हैं वापस से। So now just done with all the work, मतलब मैंने आपको पूरा बता दिया कि माइलेज कैसा सेट करते हैं और आरपीएम कैसे सेट करते हैं। तो मोस्टली माइलेज पे आप ज़्यादा मतलब छेड़ो मत वो माइलेज के स्क्रू को, और हाँ वो उसको लेफ्ट राइट कर सकते हो स्क्रू को। अगर आपको माइलेज कम मिल रहा हो करोगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा और राइट करोगे तो आपको माइलेज कम मिलेगा और पावर ज़्यादा मिलेगा। तो ये पावर और माइलेज को दोनों बराबर सेट करना है आपको, तो वही आपके ऊपर है कि आप कैसा ट्यून कर रहे हो आपके इंजन को। अभी 4000 सब्सक्राइबर्स ही बचे 50,000 के मार्क को हिट करने के लिए। सो यार डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप यू गाइज सी इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच यू लव। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।